एक अच्छी हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी है, अच्छी मम्मा यही भी ये है। सच्ची गाइस दिल से बात बोल रहा हूँ, ये चीज जितना ये काम करती है ना दिन भर, शायद ही उतना कोई लेडीज करती होगी। आपको लगता होगा हाउसवाइफ सब एक जैसे ही काम करती है, सब हाउसवाइफ को उतना ही काम रहता है, लेकिन ये सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, यूट्यूबर भी है। और जितना भी एडिटिंग शूटिंग और उसके बाद पोस्टिंग का काम वगैरह कर, देखिए इसका बॉयफ्रेंड ने सीटी मारना चालू कर दिया। ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना। हाँ, तभी तो जैसे ही सीटी मारेगा वैसे ही दौड़ के आएगी, बॉयफ्रेंड बुलाया। मेरा बाल खराब किया तूने। तो मैं बोल रहा था ना कि जैसे ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ होते हैं, घर का काम करते हैं, तो इनको सबको लगता है कि सिर्फ हाउसवाइफ है, कौन सा एडिशनल काम कर लेती है। लेकिन मैं ये बात सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ये सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं है, ये बच्चे की टीचर भी है, बच्चे के ऑटो वाला भी है, क्योंकि बच्चे को हमारे जाके स्कूल से लेकर आती है, मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखती है, सुबह से लेकर रात तक हर समय से उनको खाना बनाती है, देती है, मेरा ख्याल रखती है। मैं सुबह 8:30 में ऑफिस के लिए निकलता हूँ और ये उस टाइम तक मेरा कम से कम 6 से 8 टिफिन बना के देती है, अलग अलग चीज़ें 6 से 8 टिफिन में रहता है। मैं कभी ऑफिस जाते समय आपको दिखाऊंगा, और मेरे हेल्थ के हिसाब से मुझे क्या चाहिए उसके हिसाब से खाना बना के देती है, ऐसा नहीं कुछ ही बना के डाल दिया। पूरा दिन घर को क्लीन करती है, हमारे घर को इतना सजा के जो रखती है वो सब इसका है। इतना बोलेगी ना तो मैं रो दूंगी पक्का, इस बात तो रो। जो सच्चाई है वही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोलो गाइस, जो सच्चाई है मैं उतना ही बोल रहा हूँ, कोई गलत बात मैंने नहीं बोला। तो गाइस मैं दूसरे के घर का काम करती थी, अपने घर का काम, लेकिन फिर भी एक नजर उधर डाल लीजिए बॉयफ्रेंड। गाइस सब सिर्फ घर का काम करती है, ये YouTube बनाती भी है, उसे एडिट भी करती है, उसे पोस्ट भी करती है। जो लोग YouTube बनाते होंगे या जो लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि कितना मेहनत लगता है उस 1 मिनट के वीडियो के पीछे। बाप रे, मेरा इतना भी बड़ाई मत कीजिए कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगा आज। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा बोलिए। सिर्फ घर का ही काम थोड़ी करती है, मैंने क्या क्या बोला है, एक अच्छी हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी है, अच्छी मम्मा भी है। यही ये बात बोल दिए ना, एक अच्छी हाउस वाइफ है ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। बहू है, सबका ख्याल रखती है। ये मत बोलिए, एक अच्छी बहू है, बाप रे बहुत बड़ा टैग दे दिया है मेरे। नो, तो अब ये चले मछली फिश बनाने। गाइस ये बॉम्बिल फिश है, ठीक है ना, तो बॉम्बिल फिश को इन्होंने क्लीन किया है, मतलब एक फिश को दो वो में कट किया है ऐसे। इसमें मैंने लहसुन अदरक और हरा मिर्चा पीस के उसका पेस्ट मैंने बनाया था, ऐसे वाला पेस्ट बनाया था, ठीक है ना, और इसमें डाला, इसमें मिक्स कर दिया है, और कश्मीरी मिर्च, नमक, और मेरे पास नींबू नहीं था तो सिरका डाल के इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया है, और कुछ देर के लिए, मतलब ये लगभग 10 मिनट से ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद ये सूजी डालेंगे रावा लगा के, और रिफाइंड में धीरे धीरे स्लो मीडियम फ्लेम पे या स्लो पे ना उसको फ्राई करेंगे, और इसके बाद खाएंगे। भाकरी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ।